कांग्रेस की बैठक में नेताजी ने बीजेपी वालों की खाल खींचने की कही बात। गुरुवार को कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने आए एक नेताजी भाजपा पर खासे नाराज थे। कारण था शिवाजी की मूर्ति तोड़ने के बारे में भाजपा द्वारा कांग्रेस पर इल्जाम लगाना। गुस्से में नेताजी ने भाजपा के लोगों की खाल खींचने तक की बात कह डाली। आइए देखते हैं वीडियो। तहसीलदार की कॉल डिटेल निकाली जाए, किसने उनको फोन पर कहा, किसने मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया, निकालने का आदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हम सब चीज के लिए तैयार हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम बेईमानी, चोरी, लूट, खसोट, रेत सट्टा, जुआ, शराब और अवैध कारोबार में लिप्त नहीं है। रेत आप चोरोगे, सट्टा आप चलाओगे, शराब आप बेचोगे, गिट्टी आप बेचोगे और बदनाम कांग्रेस को करोगे। कांग्रेस का कोई मायका लाल अब बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आप ध्यान में रखना। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दिन हमारे कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता पर उंगली उठाने का प्रयास करें, उसके बाल को हाथ लगाने का प्रयास करें, इस मंच से सार्वजनिक रूप से कहता हूं, हम खाल नोचने में भी उसकी कसर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा के लोग, मैं पूछना चाहता हूं पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, कि आप 15 साल विधायक रहे, 15 साल आपकी सरकार रही, आपको कभी शिवाजी महाराज की याद नहीं आई? 15 साल पूरे विधानसभा में मुझे कोई एक भी बच्चा बता दे। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।